तो दोस्तों मैं हूं आपका होस्ट राहुल, नई वीडियो लेके आपके सामने फिर से हाजिर हूं। आज की जो हमारी वीडियो है वो वीडियो टीवीएस अपाची आरटीआर 204V वर्सेस यामा R15 वर्जन 4। टॉप वेरिएंट की मैं बात करता हूं तो दोनों मोटरसाइकिल के एक्स शोरूम की अगर मैं बात करूं तो 30,000 आप लोग ऐड कर देना बिकॉज ऑफ इंश्योरेंस और आरटीओ की वजह से। तो अपाची 200 जो आपको मिलती है वो मिलेगी आपको 1.47 लाख रुपीज़ की पड़ जाएगी। वहीं पर अगर मैं R15 वर्जन 4 की बात करूँ तो ये मिलेगी आपको 1.97 लाख रुपीज़ की। तो यहाँ पे आप लोगों को थोड़ा सा फ़र्क मिलने वाला है, थोड़ा क्या काफ़ी फ़र्क मिलने वाला है, सीधा सीधा 50,000 का फ़र्क मिलेगा। तो 50,000 हम लोग ज़्यादा दे के, क्या हमें R15 लेनी चाहिए, वर्जन 4 लेनी चाहिए या फिर हमें अपाची 200 लेनी चाहिए? तो चलो शुरू करते हैं आज की हमारी वीडियो। सबसे पहले अगर मैं बात करूँ तो अपाची के अंदर आपको जो इंजन मिलता है वो मिलेगा 197.75 सीसी का सिंगल सिलेंडर एयर प्लस ऑयल कूल्ड FIE आपको इसके अंदर इंजन मिल जाएगा। मैक्सिमम पावर जो निकाल के देगा वो निकाल के देगा 20.82 PS एट 9000 RPM पर, और जो मैक्सिमम टॉर्क निकालेगा वो निकालेगा 17.25 न्यूटन मीटर एट 7500 RPM पर। वहीं पे अगर मैं R15 की बात करूँ तो R15 के अंदर आपको जो इंजन मिलेगा 155 CC का सिंगल सिलेंडर 4-stroke 4-valve SOHC इंजन आपको इसके अंदर मिल जाएगा। मैक्सिमम पावर जो निकाल के देगा वो निकाल के देगा 18.4 PS एट 10,000 RPM पर, जो मैक्सिमम टॉर्क निकालेगा वो निकालेगा 14.2 न्यूटन मीटर एट 7,500 RPM। BS6 कंप्लाइंट 2 का इंजन आपको दोनों मोटरसाइकिल पे मिल जाएगा। पावर अगर मैं टॉर्क की अगर बात करूँ तो पावर एंड टॉर्क की अगर बात करी जाए तो यहाँ पे हमारी जो विन करती है वो हमारी अपाची विन करती है पावर और टॉर्क के हिसाब से अगर बात करते हैं, ठीक है। और यहीं पे दोनों मोटरसाइकिल के अंदर फोर वॉल का इंजन तो दोनों में मिलने वाला है, लेकिन लिक्विड कूल जो है वो आपको R15 में मिल जाएगा, लेकिन अपाची में आपको 2 valve का इंजन मिल जाएगा। तो लिक्विड कूल के मामले में देखा, कूलिंग के मामले में देखा, तो हमारी R15 जो है वो विन करती है। यहीं पे अगर मैं बोर की बात करूँ तो अपाची के अंदर आपको 66 mm का बोर मिलेगा, स्ट्रोक जो मिलेगा 58 mm का स्ट्रोक मिल जाएगा। वहीं पे अगर R15 वर्जन 4 की बात करी जाए तो इसके अंदर बोर मिलेगा 58 mm का बोर मिलेगा, स्ट्रोक जो मिलेगा 58.7 mm का स्ट्रोक मिल जाएगा। सिंगल सिलेंडर के दोनों मोटरसाइकिल होने वाली है, चैन ड्राइव ओरिंग चैन ड्राइव दोनों मोटरसाइकिल में मिलेगी, दोनों मोटरसाइकिल के अंदर आपको 4 valve का इंजन मिल जाएगा। दोनों मोटरसाइकिल के अंदर आपको डिस्क ब्रेक मिल जाएंगे, डुअल चैनल ABS के साथ आपको दोनों मोटरसाइकिल के अंदर डिस्क ब्रेक मिल जाएंगे। वहीं पे अगर मैं माइलेज की बात करूँ तो अपाची दोस्तों आपको जो माइलेज निकालेगी वो निकाल के देगी आपको 40 का माइलेज निकाल के दे देगी। वहीं पे R15 वर्जन 4 की मैं माइलेज की बात करूँ तो ये जो आपको माइलेज निकालेगी ये निकाल के दे देगी आपको 55 का माइलेज निकालेगी। बाकी डिपेंड करता है कि आप किस तरीके से इस मोटरसाइकिल को राइड करते हो। R15 एक ऐसी मोटरसाइकिल है ना, प्यार से चलाओगे तो बहुत तगड़ा माइलेज देगी, लेकिन वहीं पे अगर आपने VVA टेक्नोलॉजीज की ऑन कर दी ना, भागेगी गोली की तरह लेकिन माइलेज गिरा देगी। तो ये चीज़ है, तो इसके बारे में हम आखिर में डिस्कस करेंगे। वहीं पे अगर देखा जाए टायर्स के बारे में तो 90x90 का फ्रंट टायर आपको अपाची में मिलेगा, रियल टायर आपको जो मिलेगा 130x70 का रियल टायर मिल जाएगा 17 inches के अलॉय व्हील्स के साथ। वर्जन 4 की अगर बात की जाए तो इसके अंदर आपको फ्रंट टायर मिलेगा 100x80 का फ्रंट टायर मिलेगा, रियल टायर जो मिलेगा 140x70 का रियल टायर मिल जाएगा 17 inches के अलॉय व्हील्स के साथ। तो टायर्स के मुकाबले में बात करें तो आप वर्जन 4 जो है वो विन करती है। दोनों मोटरसाइकिल के अंदर ट्यूबलेस टायर मिल जाएंगे, दोनों मोटरसाइकिल के अंदर रियल टायर आपको मिल जाएंगे। सीट हाइट की अगर मैं बात करूँ तो 800 mm की आपको सीट हाइट जो है वो अपाची 200 में मिल जाएगी, और R15 के अंदर आपको जो सीट हाइट मिलेगी वो मिलेगी 8,015 mm की सीट हाइट मिल जाएगी। तो यहाँ पे जो सीट हाइट ज़्यादा है वो आपकी वर्जन 4 में ज़्यादा है। व्हील बेस की बात करूँ तो 1,353 mm का व्हील बेस आपको अपाची में मिलेगा, और वहीं पे R15 के अंदर आपको मिलेगा 1,325 mm का व्हील बेस मिल जाएगा। तो यहाँ पे जो व्हील बेस ज़्यादा मिलेगा वो आपको अपाची में ज़्यादा मिलने वाला है। लेंथ की अगर बात करूँ तो 2,020 mm की लेंथ आपको अपाची में मिलेगी, और R15 के अंदर आपको जो लेंथ मिलेगी 1,990 mm की लेंथ मिल जाएगी। तो यहाँ पे अपाची जो है वो विन करती है। ग्राउंड क्लियरेंस की अगर बात करें तो 180 mm की ग्राउंड क्लियरेंस आपको अपाची में मिलेगी, और और वर्जन 4 के अंदर आपको जो मिलेगी वो ग्राउंड क्लियरेंस मिलेगी 170 mm की ग्राउंड क्लियरेंस आपको इसमें मिल जाएगी। तो यहाँ पे जो ग्राउंड क्लियरेंस की अगर मैं बात करूँ तो अपाची की ज़्यादा आपको मिल जाएगी। हाइट की अगर बात करें तो 1,050 mm की हाइट आपको अपाची में मिलेगी, और वर्जन 4 में आपको 1,135 mm की हाइट मिलेगी। तो यहाँ पे हाइट जो ज़्यादा मिलने वाली है वो आपको R15 में ज़्यादा मिल जाएगी। ब्रेथ की अगर बात करें 790 mm की ब्रेथ आपको अपाची में मिलेगी, और 725 mm की वर्जन 4 में मिल जाएगी। तो यहाँ पे जो ब्रेथ ज़्यादा है वो मिलेगी आपको अपाची में। अपाची के पेट्रोल टैंक की बात करी जाए तो 12 लीटर का पेट्रोल टैंक मिलेगा। R15 के अंदर जो पेट्रोल टैंक मिलेगा वो 11 लीटर का मिलेगा, 2 लीटर माइनस कर देते तो 10 लीटर का आपको अपाची में मिल जाएगा, और वर्जन 4 में आपको 9 लीटर का मिल जाएगा। यहाँ पे हमारी अपाची विन करती है। अपाची का जो कर्व वेट है वो मिलेगा 152 kg का कर्व वेट मिलेगा, यहीं पे R15 के अंदर 142 kg का कर्व वेट मिलेगा। तो 10 किलो का फ़र्क है, तो 10 किलो के फ़र्क के हिसाब से इसी वजह से R15 हमें माइलेज ज़्यादा देती है, यही जो मेन रीज़न है, इसी वजह से आप हमें जो है
R5 सबसे ज़्यादा माइलेज निकाल के देती है, यही मेन रीज़न है। तो इसी वजह से मैंने आप लोगों को बताया 55 का माइलेज निकाल के दे देगी, 10 किलो का फ़र्क है, तो भाई 10 किलो का फर्क काफ़ी रहता है। वहीं पे दोनों मोटरसाइकिल के अंदर आपको LED टेल लाइट मिल जाएगी। फ्रंट डिस्क ब्रेक की बात करो, 270mm का फ्रंट डिस्क ब्रेक आप आपसे मिलेगा, रियल डिस्क ब्रेक 240mm का रियल डिस्क ब्रेक मिल जाएगा। वहीं पे R15 के अंदर 282mm का फ्रंट डिस्क ब्रेक मिलेगा, रियल डिस्क ब्रेक 220mm का रियल डिस्क ब्रेक मिल जाएगा। यहाँ पे मैं दोनों को ही विन करता हूँ, क्यों? क्योंकि अपाचे के अंदर आपको पेडल डिस्क ब्रेक मिलता है, लेकिन R15 के अंदर आपको नॉर्मल डिस्क ब्रेक मिलेंगे, तो बाकी सेम ही रहने वाला है, ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। यहाँ पे अगर हम आ जाते हैं इलेक्ट्रिकल आइटम्स के बारे में, जहाँ पे अपनी अपाचे में ज़्यादा ही है, तो देखते हैं क्या ज़्यादा हमें मिलता है। तो स्मार्ट कनेक्टिविटी टेक्नोलॉजी मिलेगी, GTD टेक्नोलॉजी मिल जाएगी आपको, अर्बन मोड, रेनबो मिल जाएंगे दोनों। तो यहाँ पे आप लोगों को काफ़ी ज़्यादा फायदा होने वाला है, अगर आप मान के जो सिटी में चलाने चाहते हो, ज़्यादा आपको पावर वगैरह की जरूरत नहीं है, तो वहाँ पे आप अर्बन मोड पे चला लो, तो माइलेज भी आपका काफ़ी अच्छा इंक्रीज़ हो जाएगा। तो आराम से आप मान के चलो कि 42 या 43 का माइलेज आपको ये निकाल के दे देगा, अगर आप स्पोर्ट्स मोड पे चलाते हो तो। इसको एडजस्टेबल क्लच लीवर, ब्रेक लीवर आपको एडजस्टेबल मिल जाएंगे, ठीक है। और नेक्स्ट पॉइंट की बात करी जाए तो, हाँ नेक्स्ट पॉइंट की बात करें तो आपको ब्लूटूथ कनेक्टिविटी वगैरह मिल जाएगी इसके अंदर, मोबाइल आपकी कनेक्टिविटी, लोकेशन वगैरह जो है वो आपका अपाची बता देगी, कोई भी आपके फ़ोन में नोटिफिकेशन आएगी तो वो सारी आपको अपाची बता देगी। R15 के अंदर भी आपको क्या क्या चीज़ें मिलती है, तो इसके अंदर भी आपको वाई कनेक्टिविटी ऐप मिल जाएगा, ठीक है। तो उसके अंदर भी आपकी कॉल्स वगैरह बता देगी, मैसेज वगैरह बता देगी, ब्लू फ़ोन के अंदर कितनी बैटरी ये सब बता देगी, फ़ोन में कोई भी नोटिफिकेशन वगैरह आएंगे वो सारी इसमें बता देगी। साइज एंड कट ऑफ फीचर दोनों मोटरसाइकिल के अंदर मिल जाएगा, दोनों मोटरसाइकिल डुअल हॉर्न मिलेंगे, तो हॉर्न दोनों मोटरसाइकिल के सेम ही है, कोई आपको फ़र्क नहीं मिलने वाला। गियर पोजीशन इंडिकेटर भी आपको दोनों मोटरसाइकिल में मिल जाएंगे, ठीक है। और VVA टेक्नोलॉजी सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो है भाई, यहाँ पे जो R15 है भाई, तब से लेके अभी तक VVA टेक्नोलॉजी पे ही है, तो ये जो टेक्नोलॉजी है इसकी सबसे तगड़ी टेक्नोलॉजी है, इसी वजह से R15 जो है इतना तगड़ा भागती है, भागने के मुकाबले में इतना तगड़ा इसलिए भागती है वो, क्योंकि VVA टेक्नोलॉजी भाई इसका जो फोर वॉल है वो ओपन हो जाता है, इसी वजह से फोर वॉल ओपन कर देती है, चौथा वॉल जो है वो इंटेक उसका ऑन कर देती है, तो यहाँ पे जो है हमें माइलेज टॉप स्पीड जो है वो तगड़ी मिल जाती है। अब बात कर लेते हैं, तो देखो एक जो हमारी बाइक है, देखो डुअल चैनल ABS दोनों ही मिल जाएंगे, हाँ। तो हमारा जो R15 है ये स्पोर्ट्स मोटरसाइकिल, वहीं पे अपाची जो है हमारी है वो है नेकेड मोटरसाइकिल। बॉडी ग्राफिक दोनों के अंदर ही मिल जाएंगे, सेल्फ स्टार्ट ही है दोनों मोटरसाइकिल में, स्प्लिट सीट दोनों मोटरसाइकिल में मिल जाएगी आप लोगों को, डिस्प्ले डिस्प्लेमीटर कंसोल दोनों मोटरसाइकिल में मिल जाएगा, लो बैटरी वार्निंग जो है वो दोनों मोटरसाइकिल बता देगी, दोनों मोटरसाइकिल आपको क्लॉक बता देंगी, ऑयल कूल इंजन आपको अपाची मिल जाएगा, लिक्विड कूल इंजन आपको R15 में मिल जाएगा। अब देखा जाए कि इन दोनों मोटरसाइकिल में से कौन सी मोटरसाइकिल को हमें परचेस करना चाहिए। तो दोस्तों देखो, सबसे पहले मैं आप लोगों को बात करूं, आप लोगों को एक ऐसी बाइक चाहिए जो चाहिए आपको कंफर्टेबल होकर चलानी है, बिल्कुल मोटरसाइकिल लॉन्ग टूर वगैरह में जा रहे हो, पिलियन के साथ बैठ के जा रहे हो, बिल्कुल रिलैक्स होकर कंफर्टेबल होकर आपको एक मोटरसाइकिल चाहिए, तो वहाँ पे आप अपाची की तरफ चले जाओ। दूसरा अगर मैं अपाची का मेन पॉइंट बताऊँ, वो मेन पॉइंट ये है कि इसके अंदर मोड्स मिल जाते हैं, जब हमें पावर की जरूरत है तब हम पावर पर चला लेंगे, यानी स्पोर्ट्स मोड पर चलाएंगे, जब हमें नहीं चाहिए पावर भाई हमारी अर्बन मोड पे काम हो जाएगा, यानी इको स्पीड में हमारा काम हो जाएगा, तो वहाँ पे हम अर्बन मोड पे चलाएंगे इस मोटरसाइकिल को। तो यहाँ पे हम लोगों को सबसे ज़्यादा फ़ायदा क्या होने वाला है, यहाँ पे हमें ये फ़ायदा हो जाएगा कि हम अपने अकॉर्डिंग अपने बाइक की माइलेज और टॉप स्पीड को सेट कर सकते हैं। तो यहाँ पे अपाची में ये चीज़ें इसके अंदर सबसे ज़्यादा बेहतरीन है। यहीं पर अगर मैं R15 की बात करूँ, ठीक है, और हाँ एक चीज़ और, अपाची जो है वो इनिशियली पिकअप आपको तगड़ा देगी, इनिशियली ये जो भागेगी ना ये तगड़ा भागेगी, लेकिन R15 के अंदर इसका उल्टा है। R15 क्या है, इनिशियली पिकअप में थोड़ा सा लो रह जाएगी, पीछे रह जाएगी, लेकिन जैसी R15 भागने में आई ना, तो भाई इसने 250cc तक की मोटरसाइकिलों को नहीं छोड़ा भाई, ठीक है। तो ये चीज़ आप लोग सीधा कंपेयर कर लो कि 250cc की मोटरसाइकिलों को ये धुआं दे देती है, उसको टक्कर देती है ये भाई अच्छी खासी। तो यहाँ पे क्या है ना, अपनी टॉप स्पीड आपको चाहिए, ऐसी मोटरसाइकिल चाहिए भाई मुझे हाईवे भगानी है बिल्कुल, और मज़ा आना चाहिए बाइक भगाने में। तो यहाँ पे आपको R15 वर्जन 4 जो सबसे बेहतरीन होने वाली, सबसे तगड़ा मज़ा देगी ये जो मोटरसाइकिल है। और बाकी भाई स्पोर्ट्स मोटरसाइकिल है और नेकेड है, तो खैर दोनों का तो कोई इसमें कंपेयर में करूँगा नहीं, स्पोर्ट्स में आपको थोड़ा झुक के चलाना पड़ता है और अपाचे को थोड़ा सा स्ट्रेट होकर चला सकते हो, बिल्कुल कंफर्टेबल आप होकर चला सकते हो। तो आप लोग बताना आप लोगों में से कौन सी मोटरसाइकिल जो है वो लेनी चाहिए। देखो अपाची मेरे को क्यों अच्छी लगती है, मैं आप लोगों को ये रीज़न बताता हूँ। सबसे पहले अपाची के अंदर क्या है ना, एक ही है आपकी ना 147,000 रुपीज़ की मोटरसाइकिल आ जाएगी, 200cc के अंदर 147,000 रुपीज़ की आ जाएगी। लेकिन R15 ना मुझे लगती है ओवर प्राइज मोटरसाइकिल। R15 के अंदर मुझे मेन जो मेरे को सबसे बड़ी मेरे को जो चीज़ें खटकती है ना, वो कहना एक चीज़ खटकना, वो मुझे लगती है भाई प्राइस काफ़ी ज़्यादा है इसका। तो इसका जो प्राइस है ना वो यार एक ऐसा लगता है मेरे को कि ना एक 250cc की मोटरसाइकिल आ जाएगी, वो भी फेयरिंग। तो आप लोग बताना कि किस मोटरसाइकिल की मैं बात कर रहा हूँ,
बाकी ना बस प्राइस की वजह से मुझे ये जो बाइक है ये मुझे लगती है कि यार प्राइस इसका काफ़ी ज़्यादा है। अदरवाइज इसका प्राइस जो पहले वाला था ना, जैसे V3 का जो प्राइस था, आराम से आपकी 1.80 लाख रुपीज़ में आ जाती है मोटरसाइकिल। तो वहाँ पे क्या था ना, वहाँ पे एक वैल्यू फॉर मनी प्रोडक्ट, लेकिन अभी के टाइम में एकदम से जो इतने इसका प्राइस बढ़ गया था, तो वहाँ मुझे लगता है कि प्राइस काफ़ी ज़्यादा हो गया मोटरसाइकिल का। तो यही चीज़ है, सिर्फ प्राइस की वजह से मेरे को जो है R15 को मैं थोड़ा सा अवॉइड करता हूँ, ठीक है, क्योंकि इसकी जगह पे मुझे पता है मुझे 250 सीसी की मिल जाएगी, पावर भी ज़्यादा, टॉर्क भी ज़्यादा, सब कुछ ज़्यादा मिल जाएगा। तो यहाँ पे ना इसलिए मैं थोड़ा सा R15 से पीछे जाता हूँ। लेकिन भाई जो बंदा भगाने का शौकीन है ना, जिसको भगाना भी है, माइलेज भी चाहिए, तो भाई वो R15 को परचेज कर लो, बेझिझक होकर आप आराम से चला सकते हैं, ठीक है। तो ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोज देखने हमारे दोनों चार आर्क ऑटो सर्विस को मॉडिफाई करें, दोनों चार को जो भी सब्सक्राइब करना, तो ओके।